नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्रेविन ब्रावो ने इस बात का खुलासा किया है कि हेलीकॉप्टर गाना जो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को डेडिकेट किया था, उसका आइडिया उन्हें धोनी की पत्नी साक्षी से मिला था। वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ब्रावो का टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर रहे महेंद्र सिंह धोनी के साथ खास कनेक्शन है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ब्रावो खेलते हैं और कप्तान धोनी ने जब भी उन पर मुश्किल समय में भरोसा दिखाया, उन्होंने कभी निराश नहीं किया है। ब्रावो और धोनी की ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड केमिस्ट्री काफी अच्छी है। ब्रावो को म्यूजिक का भी बहुत शौक है, वो खुद गाने भी बनाते हैं। धोनी के 39वें बर्थडे पर उन्होंने हेलीकॉप्टर गाना रिलीज किया था। ब्रावो ने बताया कि इसके टाइटल के पीछे धोनी की पत्नी साक्षी का दिमाग है। ब्रावो ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, गाने को लेकर मुझे धोनी और साक्षी ने प्रतिक्रिया दी। इस गाने में साक्षी का भी हाथ है, जैसा कि इस गाने का नाम हेलीकॉप्टर रखना उनका ही आइडिया था। मैं इस गाने का नाम नंबर 7 रखना चाहता था। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा गाना बनाया। इस गाने को कुछ ही घंटे में लाखों व्यूज मिल गए थे। ब्रावो ने आगे कहा कि वो धोनी के रिटायरमेंट पर भी एक गाना बनाना चाहते हैं, जिसमें उनकी सारी उपलब्धियां रहेंगी, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में जो किया वो कोई नहीं कर सकता। ब्रावो ने बताया, मैं म्यूजिक में हूँ। मैंने अपनी म्यूजिक टीम से कहा था कि मैं इस शख्स के लिए एक गाना करना चाहता हूँ उनके रिटायरमेंट से पहले। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने मेरा खेल सुधारने में भी बहुत मदद की है। हाल ही में ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट का आंकड़ा छुआ है। बता दें, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ब्रावो दुनिया के पहले गेंदबाज बने। वहीं CSK के लिए वो सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। ब्रावो ने 113 IPL मैचों में 118 विकेट लिए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।